क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए इज इक्वल 1 2 3 4, बी इज इक्वल 3 4 5, सिक्स सी इज इक्वल 5 6 7 8 और डी इज इक्वल 7 8 9 10 हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये सभी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी, उसके लिए ए की वैल्यू जितनी भी है रख लेते हैं 1 2 3 4, अगेन द वैल्यू ऑफ बी 3 4 5 6, अगेन द वैल्यू ऑफ सी 5 6 7 8, एंड द वैल्यू ऑफ डी वी हैव गिवन 7 8 9 10। दीज आर द वैल्यूज ए बी सी एंड डी। फर्स्ट में क्या बोला है, ए यूनियन बी निकाल दीजिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में जितने भी सदस्य हैं सभी को लिख देना है। ध्यान रहे नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, एक दो तीन चार लिखा, तीन चार पहले भी पहले लिख दिया, तो अब ये तीन चार जो है तो दो बार आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार लिख दिया, 5 6 बस लिख दूंगा, 5 और 6, और ये हो गया पहला ए यूनियन बी कंप्लीट। आगे समझ में। अभी दूसरा करते हैं, वन बाई वन करते जाएंगे। हाँ, दूसरे में क्या सॉल्व करना है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इज इक्वल, तो ए और सी इस बार देखेंगे। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये निकला है, दूसरा हो गया कंप्लीट ए यूनियन सी। फिर थर्ड में क्या बोला है, बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी निकाल दीजिए। थर्ड बी यूनियन सी, तो 3 4 5 6 हुए, अब 5 6 दो बार रिपीट ना करें, दो बार है तो एक बार लिख दिए, 7 8 लिख दिए, तो 3 4 5 6 7 और 8। इसे फोर्थ नंबर में क्या सॉल्व करना है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, देन बी की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 6, तो पूरा लिख देंगे 3 4 5 6, बी की लिख दिए। अब डी पे आते हैं, डी पे 7 8 9 10 पूरा लिख दीजिए, 7 8 9 10, ठीक है। पूरे सदस्यों को लिखना है, यूनियन में दोनों परिवार के सदस्यों को लिखना है, ध्यान रखे कोई नंबर दोबारा ना आए, बस है ना, बस इतना न्यू रहेगा। पाँच में क्या लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार क्या करना है, आपको ए के भी पूरे सदस्य, बी के भी लिखने पूरे और सी के भी, रिपीट बस नहीं करिएगा। तो ए में 1 2 3 4 लिखिए, 1 2 3 4, डी में कितने हैं, 3 4 5 6, तो 3 4 आप लिख चुके हैं, तो 5 6 बस लिख दीजिए, 5 6, एंड सी पे, सी पे कितना दिया है, 5 6, 5 6 तो लिख दिए, 5 6 लिख दिए, 7 8 लिखिए, 7 8, है ना, रिपीट बस नहीं करना था। पाँच हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी और यूनियन डी कर देंगे। तो ए की पूरी वैल्यू 1 2 3 4, बी की पूरी वैल्यू 3 4 नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, 5 6। अब डी की, तो 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अब 7 कर देते हैं। 7 पे क्या बोल रहा, बी यूनियन, बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए तो बी की पूरी वैल्यू लिखिए, 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी की पूरी वैल्यू लिखिए, 5 6 7 8, तो 5 6 लिखर गया, तो 7 8 हो से लिखिएगा। डी की 7 8 हल्सो हमें सी से ही मिल गया था, तो 9 10 बस लिखना है, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सॉल्व। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।